स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य पत्रिका 9 के बारे में, जो सामाजिक विज्ञान की है और कक्षा 6 की है। तो बच्चों, आज की तिथि क्या है? 5/8/2021। यहाँ पर आपको अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखें इसका विषय क्या है। तो इसका जो उप विषय है वो क्या है? लोग कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हम लोग आपको एक बात बता दें कि हर संडे हमारी एक थैंक्स वीडियो आती है, जिसमें आप सभी के कमेंट्स को शो करते हुए आपको थैंक्स बोला जाता है। तो आप सभी को करना क्या है? आप सभी को बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपना नेम लिखकर जो भी सजेशन आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, आइए देखें इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है, भोजन करते वक्त आपने कभी यह सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाले चावल गेहूं कब कहां उगाए गए? जो आपने चावल और गेहूं खाए वो कब और कहां उगाए गए? आइए इस प्रश्न का उत्तर मानचित्र के द्वारा जानते हैं। ठीक है, नीचे आपको क्या करा गया है? अपना जो है एक मानचित्र दिया गया है, और इसके द्वारा क्या है हमको जो है अब हम लोग जानेंगे क्या है इसमें। तो देखिए, मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों को दिखाया गया है। तो बच्चों, आपको क्या है उत्तर पश्चिम में, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए सुलेमान की पहाड़ी है ये, और ये क्या है? कीथर की पहाड़ी है। बच्चों, ये क्या है? सुलेमान और कीथर की पहाड़ी है। ठीक है, इनको यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। तो आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ स्त्री पुरुष ने गेहूँ जौ की फसल उगाना शुरू कर दिया था। यानी कि ये जो सुलेमान की पहाड़ी है और ये जो कीथर की पहाड़ी है, बच्चों इसी के आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ था? पहली बार गेहूं और जौ की खेती का प्रारंभ हुआ था आज से लगभग 8000 वर्ष पहले। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखिए, उत्तर पूर्व में गौरा तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों को देखिए, यह कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। उत्तर पूर्व में गौरा, तो बच्चों आपको क्या है? उत्तर पूर्व की ये जो गौरा पहाड़ी है, आपको देखिए यहाँ पर दिखेगी ये गौरा पहाड़ी, और मध्य की विंध्या पहाड़ी, ये भी वो मतलब स्थान है बच्चों, ये वो स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था? कृषि का विकास प्रारंभ हुआ था। तो वास्तव में 8000 साल पहले सबसे पुराने चावल हमें यहीं सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों के आसपास से मिले हुए हैं। ठीक है, तो यही सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का क्या है? विकास प्रारंभ हुआ। सबसे पहले चावल उगाया गया ये स्थान विंध्या पर्वत के उत्तर में है। तो आपको दिख रहा है बच्चों यहाँ पर विंध्या पर्वत, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ विंध्या पर्वत। इस विंध्या पर्वत के उत्तर के भाग में, यानी ये जो भाग है, ठीक है, ये वाला जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ, ये जो भाग है इसी भाग में सबसे पहले क्या हुआ था? चावल की फसल करी गई थी, खेती हुई थी चावल की। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलिए बात करते हैं इसमें आगे क्या दिया गया है। आगे देखिए, इसमें बोला गया मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ देखिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर क्या होती हैं, मिल जाती हैं छोटी नदियाँ। ठीक है, लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे पर नगर फूले फले थे। देखिए ये क्या है? सिंधु नदी, और ये जितनी भी नदी जगह पे आपको दिख रही हैं ये सभी क्या हैं बच्चों? इसकी सहायक नदी हैं। तो इन्हीं क्षेत्र के, इन्हीं नदियों के आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले नगरीय विकास, यानी नगर में लोगों ने रहना चालू करा था और नगरीय विकास प्रणाली प्रारंभ हुई। आइए आगे देखें कि इसमें क्या दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपको रिक्त स्थान दिए गए, उनकी क्या करनी है हमें? पूर्ति करनी है। जैसे सबसे पहले चावल डैश स्थान पर उगाया गया, सबसे पहले गेहूं कहां पर उगाया गया है बच्चों? तो सबसे पहले गेहूं किस स्थान पर बच्चों उगाया गया है? गेहूँ और जौ की खेती कहाँ पर है? तो उत्तर में, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर की पहाड़ियाँ। कहाँ पर बच्चों? सुलेमान और कीथर की पहाड़ियाँ। ठीक है, आप उत्तर में क्या लिख देंगे? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों। ठीक है, यहाँ रिक्त स्थान में आपको क्या करना है? लिख लेना है जितना मैंने वहाँ पर लिखा है। तो गेहूँ सबसे पहले उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों के स्थान पर उगाया गया था। ठीक है, सबसे पहले
डैश उगाया, चावल जो है सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि चावल जो है, चावल सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया था, तो मध्य भारत की गौरा और जो विंध्या पहाड़ियाँ थीं, ठीक है, उत्तर पूर्व में गौरा तथा मध्य भारत की विंध्या पहाड़ी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि विंध्या के उत्तर में जो है स्थित है वह स्थान, ठीक है, विंध्या के उत्तर में सबसे पहले क्या करा गया था, चावल उगाया गया था, ठीक है, ये है इस जगह पे आंसर, ठीक है। अब लिख लीजिएगा इसको डैश वाली जगह पे सेकंड के, ठीक है, विंध्या के उत्तर में। इसके बाद बच्चों देखिए आगे क्या बोला गया है, सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर क्या होगा। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, सबसे पहले आप लिख लेंगे काबुल नदी, काबुल नहीं बच्चों, काबुल नहीं है सिंधु की, वो झेलम की है, ठीक है, वो किसकी है, झेलम की। आप लिखो झेलम, चेनाब, ठीक, आपको स्पेलिंग यहाँ पर दिख रही है, ये देखिए झेलम लिखा है, ये लिखा है चेनाब, चेनाब की स्पेलिंग आपको थोड़ा ब्लर दिख रही हो तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ चेनाब, ठीक है। इसके बाद कौन सी है, रावी, कौन सी है बच्चों, रावी, रावी के बाद बच्चों कौन सी है, रावी के बाद है व्यास, कौन सी बच्चों, आप लिख लीजिएगा व्यास, कौन सी बच्चों, व्यास नदी। तो बच्चों व्यास के बाद अगली जो नदी है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, सतलुज नदी, कौन सी, सतलुज, ठीक है, तो लिख लीजिएगा सतलुज। तो ये जो नदियाँ हो जाएंगी बच्चों, ठीक है, ये जो आपकी पांच नदियों का समूह है, ये पांच नदियाँ क्या हैं, सहायक नदी के रूप में हैं, किसकी, आपकी सहायक नदी बोली जाती हैं सिंधु नदी की, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मानचित्र की सहायता से गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रही गंगा, गंगा हमारी जो है ये देखिए यहाँ से बहती हुई आ रही है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं, रुको, ये आई हमारी गंगा, सॉरी ये नहीं बच्चों, यहाँ से ये गंगा बहते हुए आ रही है और यहाँ पर देख रहे हैं आप बांग्लादेश में जा रही है, ठीक है। तो गंगा की पहली सहायक नदी यमुना हो गई, दूसरी क्या हो गई, चंबल हो गई, तीसरी कौन सी होगी, सोन नदी हो गई, ठीक है, कौन कौन सी हो गई अभी तक बच्चों, यमुना, चंबल, सोन, ठीक है, ब्रह्मपुत्री, एक नदी आपकी ब्रह्मपुत्री नदी हो गई, ठीक है। तो ये नदियाँ क्या हो गई आपकी, गंगा की सहायक नदियाँ हो गई बच्चों, कौन सी हो गई, गंगा की सहायक नदियों के रूप में हो गई। तो आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है बच्चों, यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद बच्चों।